So, dear student, today our topic is dichroism, polaroid and Mel's law. ये हम तीनों यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम dichroism जो है उसको समझते हैं, उसी principle पर polaroid work करता है. तो dichroism क्या है कि जब हम unpolarized light को, unpolarized जो light होती है, अब unpolarized light क्या होती है ये आप जानते हैं, आप सब आपने जो है लास्ट वीडियो सब देखी होंगी. तो अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशन देखिए सब तरफ होते हैं, ठीक है. अब इसको जब हम टर्मलाइन क्रिस्टल जो है और कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में से जब उनमें से किसी से भी ये पास करते हैं तो इनमें एंटर होने के बाद इसकी दो रिफ्रैक्टेड रे बन जाती हैं, टू रिफ्रैक्टेड रेज में, ठीक है, बढ़ जाती है, अपवर्तित दो किरणें हो जाती हैं, दो अपवर्तित किरणें हो जाती हैं. अब इन ये दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, दोनों ही जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये प्लेन पोलराइज्ड होती है, समतल ध्रुवित पोलराइज्ड होती है. और इनके दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये देखिए एक के वाइब्रेशंस ये हैं कुछ, ये देखिए ये हैं, इसको थोड़ा मैंने रेड हाईलाइट किया, और दूसरे के वाइब्रेशंस ये हैं, ये आपस में 90 डिग्री पर हैं. यानी कि जो दो रिफ्रैक्टेड रेज बनी हैं दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड हैं, लेकिन दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो आपस के अंदर दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं और दोनों के वाइब्रेशंस आपस के अंदर 90 डिग्री पर होते हैं. इनमें से ही जो टर्मलाइन क्रिस्टल है, या अपन बात करें कि कोई पोलराइड है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ, तो वो क्या करता है इनमें से एक का सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी वर्णात्मक अवशोषण. यानी कि एक लाइट रे को वो सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है, ठीक है, यानी अपने अंदर ही रख लेता है, ऐसी बात समझ लीजिए, अपने अंदर ही उसको कहीं, ठीक है. और उससे एक लाइट जो है, एक लाइट रे जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड, वो बाहर निकल जाती है, तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है. बाहर जो लाइट आती है वो कैसे मिल जाती है हमारे को, पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, ठीक है. तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हमें मिलती है ये कैसे मिली, ये मिली किस प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल का नाम है डाइक्रोइज्म. इसे हम सारे प्रिंसिपल को कि दो रे आएंगी, दो रिफ्रैक्टेड रे होंगी, उनमें से एक का सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दूसरी बाहर निकल जाएगी, इसे हम डाइक्रोइज्म द्विवर्णता बोलते हैं, ठीक है. और इसको जो पदार्थ शो करते हैं, टर्मलाइन करते हैं, अभी हम और पढ़ेंगे पोलराइड्स करते हैं, उनको डाइक्रोइक बोलते हैं, उनको बोलते हैं द्विवर्णक, डाइक्रोइक. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पोलराइड क्या है. पोलराइड एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक बड़ा सस्ती चीप युक्ति है एक, और इजीली कैसे बना सकते हैं उसको, और किस लिए काम आती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, किस लिए वर्क काम आती है हमारे, कि हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है हमारे को. बेस्ड किस पे है ये, बेस्ड है डाइक्रोइज्म पे, द्विवर्णता के सिद्धांत पर. उसमें क्या होता है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, ये मैंने बताया वर्णात्मक अवशोषण होता है, और मोर इफेक्टिव देन द टर्मलाइन क्रिस्टल. जो हमने सिंपली जो डाइक्रोइज्म टर्मलाइन क्रिस्टल दिखाता है उससे भी ज़्यादा ये इफेक्टिव है. कैसे बनती है, इट इज़ अ थिन फिल्म ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ कुनाइन आइडोसल्फेट. छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म क्रिस्टल लेंगे हम कुनाइन के, आइडोसल्फेट के, आइडोसल्फेट ऑफ कुनाइन के, ठीक है. और उनको हम मेंशन नहीं है यहाँ, नाइट्रोसेलुलोस की पर फैला देंगे, ओके. और किस तरह से उनको इसको बनाया जाता है कि उनके ऑप्टिकल एक्सिस क्या हों, पैरेलल टू ईच अदर हों, ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर हों. इसका क्या मतलब है कि उनके वो इस तरह से कुछ उनका स्ट्रक्चर बनेगा कि जैसे मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, अब
अब देखिए इस तरह से कुछ बन गया। अब ये सब पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू ईच। अब इसके अंदर मान लीजिए कि वाइब्रेशन, हम कुछ इस तरह का कोई भी वाइब्रेशन इसके अंदर एंटर होंगे, मान लो सब तरफ होते हैं वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन नंबर इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, ये कुछ नंबर 2 है वाइब्रेशन, ये कुछ इस तरह का वाइब्रेशन हुआ अगर नंबर 3 आया कोई, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए ये ओनली नंबर 1 को पास करेगा, आप इस पे नंबर 1 को देखिए, नंबर 1 ओनली देखिए इस तरह से पैरेलल है तो पास हो सकता है यहाँ से, लेकिन नंबर टू यहाँ से तो पास हो जाएगा, यहाँ से तो नंबर 2 पास हो जाएगा, लेकिन आगे जाके देखिए आगे एक आपको इसके अंदर क्रिस्टल मॉलिक्यूल आगे आएगा और ये इसको यहाँ पर रोक देगा, ओके, एब्जॉर्प्शन कर लेगा इसका। ऐसे ही देखिए यहाँ पर होगा कि ये वाला वाइब्रेशन यहाँ तक जाएगा, आगे इसको आगे पास नहीं होगा इसमें से, लेकिन जो पैरेलल है नंबर 1 टाइप का वाइब्रेशन है, क्योंकि वाइब्रेशन सब तरह के होंगे, अनपोलराइज लाइट में सब तरह के वाइब्रेशन होते हैं, तो ये वाले जो वाइब्रेशन हैं ये देखिए ये ऐसे पैरेलल हैं इसके, वो समानांतर वाले सीधे निकल जाएंगे, ठीक है ना, तो ये निकल जाएंगे और हमें यहाँ पर जो लाइट मिल जाएगी ये प्लेन पोलराइड मिल जाएगी। ऐसे ये वर्क करता है पोलराइड, ठीक है। तो पोलराइड बनता कैसे मैंने बता दिया आपको, और वर्क कैसे करता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसके अंदर कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पोलराइड अलाउ द लाइट ऑसिलेशन पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस पास थ्रू देम, जो पैरेलल है उनको पास करेगा, द क्रिस्टल और पोलराइड ऑन विच पोलराइज लाइट इज इंसिडेंटेड, जो पैरेलल है उनको पास करता है, मैंने समझा दिया, द क्रिस्टल और पोलराइड ऑन विच अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट, जिस पे हम जैसे अनपोलराइज लाइट आपने डाली तो ये जो क्रिस्टल आपको नजर आ रहा है दैट इज पोलराइजर, इसे हम पोलराइजर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जो पोलराइज कर रहा है, जो पोलराइज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर, ध्रुवक हिंदी में बोलते हैं इसे, ध्रुवक। और जो क्रिस्टल और पोलराइड ऑन विच पोलराइज लाइट, और उसके बाद अगर यहाँ पर एक और लगा दें, यहाँ पर इसके नीचे हम एक पोलराइड और लगा दें, तो उस पोलराइड को हम पोलराइजर नहीं बोलेंगे, उसको हम एनालाइजर बोलेंगे, उसको हम विश्लेषक बोलेंगे। अगर एक नीचे मैं एक्स्ट्रा लगा दूं यहाँ पर, तो क्योंकि इस पोलराइजेशन ध्रुवन तो पहले वाले ने यहाँ पर कर दिया है, तो इसको तो पोलराइजर बोलेंगे, इस वाले पोलराइड को। और अगर हम यहाँ पर एक पोलराइड और लगा दें, ठीक है, उसको लगाने के बाद यहाँ से लाइट आए ना आए वो देखते हैं, लेकिन वो जो काम उसको बोलेंगे एनालाइजर, उसको बोलेंगे एनालाइजर, विश्लेषक, विश्लेषक। और पहले वाले को बोलेंगे ध्रुवक, पहले वाले को ध्रुवक बोलेंगे, पोलराइजर बोलेंगे, जो पोलराइजेशन का काम करता है, पोलराइड दोनों ही काम करते हैं, ये पोलराइड को आप एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए भी काम करते हैं कि लाइट पोलराइज है या नहीं, तो वो तो होता है एनालाइजर, और जो पोलराइजेशन करता है उसको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। अब हम आगे चेक करते हैं इसको, कि हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमने लाइट को पोलराइजर लगा के, मान लीजिए ये यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे पोलराइजर लगा दिया, पोलराइजर एक तरह की विंडो होती है, ये विंडो है एक तरह की, ये विंडो है, मान लीजिए इसके पैरेलल, अब यहाँ पर जो लाइट है, मान लो अनपोलराइज लाइट थी इस तरह की, अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशंस को मैंने शो किया, अब अनपोलराइज लाइट जो है वो यहाँ पर एंटर हुई, और एंटर होने के बाद इस पोलराइजर में से निकलेगी, ये पोलराइजर है ध्रुवक जिसे बोलते हैं, इस ध्रुवक में से पोलराइजर में से निकलेगी, पोलराइजर क्या करेगा इसका, पोलराइजर इसको पोलराइज कर देगा लाइट को, और ये लाइट पोलराइज होगी, देखिए यहाँ पर ऐसी हो गई है, ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमें पोलराइज लाइट मिल गई। अब अगर इसके आगे फिर हम एक पोलराइड और लगा दें, तो इसका नाम अभी मैंने बताया आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, विश्लेषक, एनालाइजर, इसको हम बोलते हैं एनालाइजर, ठीक है। तो एनालाइजर लगा दें, अगर एनालाइजर जो एक तरह का ये विंडो ही है, अगर ये इसके पैरेलल है तब तो लाइट को मैक्सिमम निकालेगा, तब तो इसमें हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है लाइट की, ठीक है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर, अगर ये जो पोलराइजर है यहाँ देखिए, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसको नहीं निकलने देगा इन लाइट्स को, ये लाइट्स इसमें जाके रुक जाएंगी, और यहाँ पर हमारे को जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, जीरो इंटेंसिटी, कुछ लाइट नहीं मिलने वाली है, तो इसको एनालाइजर बोलते हैं, ये
चेक करने के लिए है कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉ भी हमारे सामने है, मेल्स लॉ जिसे बोलते हैं। वो मेल्स लॉ क्या बताता है कि मेल्स लॉ ये बता रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर। एनालाइजर कहाँ लगेगा? सेकेंड नंबर पे। देखो फर्स्ट नंबर पे कौन लगेगा? पोलराइजर। सेकेंड नंबर पे कौन लगेगा? एनालाइजर। एनालाइजर से जो लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वेयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। स्क्वेयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। अब एंगल किस किस के बीच में लेना? देखिए बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन किस किस के बीच में लेना है? ऑफ द एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ द पोलराइजर, यानी पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल लेना है, इन दोनों के तलों के बीच में, इन दोनों के प्लेन्स के बीच में। तो अभी यहां पर इन दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इस वक्त पैरेलल हैं दोनों, तो मैक्सिमम लाइट आ रही है। जब ये 0 होगा, देखिए यहां पर ये जब 0 होगा तो लाइट हमें कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। और जब ये 90 होगा, थीटा जब 0 होगा तो लाइट कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। और जब थीटा 90 होगा तो हमें लाइट कैसी मिलेगी? मिनिमम। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाते हैं तो आई नॉट आ गया, आई इजिकल आई नॉट। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य कोण की कोज्या कोसाइन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो लाइट मैक्सिमम निकलेगी, ठीक है, जब 0 डिग्री होगा। और जब ये हो, जब मान लो 90 डिग्री पर है एक दूसरे से, तो लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ लाइक ए विंडो। ये विंडो है, पैरेलल चीज़ को तो निकालेगी विंडो, और इसके परपेंडिकुलर या किसी और एंगल पे कोई चीज़ है तो उसको रोकेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्स लॉ, वेरी सिंपल। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स हैं, उनके वीडियोज़ भी जल्दी ही आप देख सकेंगे इसी चैनल पे। और आई थिंक आपको ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल हुए हैं और क्लियर हुए होंगे टॉपिक्स। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट वी कैन सॉल्व इट। और आप इन चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, आप उनको भी देखिएगा, उनसे और भी आपको इसके कॉन्सेप्ट जो हैं और ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।